अब खबर ग्वालियर से, जहां चीते की मौत को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। वन विभाग के आला अधिकारियों की आपात बैठक अब बुलाई गई है। सीसीएफ कार्यालय में अधिकारियों की तरफ से मंथन इस वक्त किया जा रहा है। भोपाल से वन्य विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची है। अकूरों में कल नामीबिया से आए चीते ने दम तोड़ा था। एक महीने में दो चीतों की मौत से हड़कंप मच गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, चीते की मौत हुई है, जिसको लेकर अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। वन विभाग के जो आला अधिकारी है, उन्होंने चीते की मौत के बाद आपात बैठक यहां पर बुलाई है। सीसीएफ कार्यालय में इस वक्त अधिकारियों की तरफ से इस मौत को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ भोपाल से वन्य जीव एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुंची है। अकूरों में ही कल नामीबिया से आए चीते ने दम तोड़ा था। आपको बता दें, एक महीने में अगर देखा जाए तो दो चीतों की मौत हुई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तो चीतों की मौत पर चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। सीसीएफ कार्यालय में इस वक्त अधिकारी पहुंचे हैं। साथ ही साथ भोपाल से वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर मौजूद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, देखिए, एक महीने में दो चीतों की मौत और अब अधिकारियों की तरफ से इस पर चिंतन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, कूनों से जो चीते जो कूनों में जो दो चीतों की मौत हुई है, और उसके बाद अब जो अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी हों या सरकार के जो अधिकारी हैं, अब वो चिंतन मिंतन करने में लगे हुए हैं। और आज ग्वालियर के सीसीएफ कार्यालय में भोपाल से टीम आई है, वन प्राणी जो जीव है उनकी टीम भोपाल से आई है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। ये मुख्य वन संरक्षक जो कार्यालय है, वहाँ पर मीटिंग चल रही है। अभी पूरे चंबल संभाग से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। अब इसमें बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है कि जो कूनों का वातावरण जो चीतों के लिए अनुकूल है, या क्या ऐसी वजह है, या और क्या इसमें सुधार हो सकते हैं वातावरण के लिए, और क्या क्या करना होगा इसके लिए, तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही है। चंबल संभाग से अगर बात की जाए तो तमाम जो डीएफओ हैं वो यहाँ पर हैं, और सीधे ही इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सर क्या लग रहा है, सर किस तरह की बैठक है, क्या इसमें निर्णय लिया गया? सब लोग तैयार हो जाए, इसके बाद बात। सर लाइव है सर? अच्छा, लाइव, ओके। इसमें आज शिवपुरी सर्किल और ग्वालियर सर्किल के जो डिविजन्स हैं उनकी समीक्षा की गई है। उसमें विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की गई है, कर्मचारियों के स्थापना से संबंधित, रोपणियों से संबंधित, वन अपराधों से संबंधित, और जो भी शासन की योजनाएं हैं, तेंदुपत्ता, बांस मिशन, ये सब योजनाओं की समीक्षा की गई है, और इनको निर्देश दिए गए हैं कि इनमें प्रगति लाएंगे। कूनों में चीता जो डेथ हुई है, दो चीते हुए, तो किस तरह की आप बैठक किया वातावरण को चेंज करने के लिए, या क्या रणनीति बनाई? अब इसके बारे में जो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर हैं वो बेहतर बता पाएंगे। अब मेरे पास बहुत इनपुट नहीं है उसका, चीता से संबंधित नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ से नहीं हूँ। बिल्कुल, देखिए, अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको डर है कि आगे किस तरह से जो परिवर्तन है वो होने हों, लेकिन इसको लेकर कोई अभी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो चीतों की मौत के बाद जो हड़कंप सरकार और जो अधिकारी हैं उनमें मचा है, और यही वजह है कि अब लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है। अधिकारी भले ही कुछ नहीं बताएं, लेकिन कुल मिलाकर चीतों को किस तरह से और चेंज किया जाए, क्या उसमें और जो बदलाव है वो किया जाए, उनके वातावरण में किस तरह से और चेंजिंग लाई जाए, इसको लेकर देखने वाली बात होगी। देखिए, आपात बैठक बुलाई गई, मंथन किया गया, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए शुरू से ये कहा जा रहा था कि चीतों के लिए अनुकूल है, इसलिए वहाँ पर शिफ्टिंग की गई थी। लेकिन दो मौतें होना, जाहिर सी बात है कि कुछ परिवर्तन तो देखने को मिलेंगे। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।